राजा जी टाइगर रिजर्व। तो भाई इस पे पूरा का पूरा सब कुछ लिखा हुआ है यार। टाइगर वाइगर आ जाता है क्या? बस ऐसे ही है, संभल के जाना पड़ेगा, हाथी वाती का ज्यादा बता रहे हैं। क्या बड़े भाई? मोहित राठी ब्लॉग्स। चलो भाई आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। इस टाइम पे जो मेरे सामने व्यू है ना, उसको आप देखोगे तो भाई नॉट गुड गुड। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आपका फिर से एक नए सफर में स्वागत है। अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। अभी फिलहाल हम दो दिन से रुके हुए थे ऋषिकेश में, क्योंकि बारिश थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पहले में बल तोड़ हो गया था मेरे में। अभी भी थोड़ा बहुत है, बट इतना है कि हाँ चल सकता हूँ मैं प्रॉपरली। और फिलहाल अभी यहाँ से निकले हुए हैं, मेरे साथ में हमारे अरविंद भाई हैं जो कि कर रहे हैं भारत यात्रा, वो भी पैदल। सो बस भाई के साथ में अभी मैं निकल के जा रहा हूँ यहाँ से, और अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए, जो यहाँ से अप्रोक्स पड़ता है 12 किलोमीटर, वो भी ट्रैकिंग करके। बाय रोड जाते हैं तो 26 किलोमीटर है, बट हम ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे यहाँ से। तो फिलहाल कुछ ये ऐसा रास्ता है, ये सामने गंगा जी बह रही है, और वो बिल्कुल सामने आप देखोगे तो वो जानकी पुल है, और यहाँ से अभी निकल के जाना है हमें। बीच में से ऐसे करते हुए जाएंगे हम ट्रैकिंग करते हुए। कहाँ से? ऐसे इधर को करके जाना है। हाँ तो मतलब लगा लो ऐसे करके इधर को निकल जाएंगे। तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है रास्ता, बट खैर एडवेंचर भी होगा, काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो फिलहाल अभी अपने को जाना है इधर से, और अभी गुरुद्वारे से निकले हुए थे, एक एक दो दो रोटी खा के, ज़्यादा कुछ खाया नहीं, क्योंकि फिर वो ये कि रास्ते पर चढ़ेंगे ट्रैकिंग करेंगे तो फिर बाद में दिक्कत होने लगती है। तो इसी वजह से अपना निकले हुए हैं, अपना 2-4 बिस्कुट वगैरह रख लिए अपने पास में, क्योंकि रात को हो सकता है वहाँ पे खाने के लिए कुछ मिले ना मिले। और वैसे भी गूगल बारिश दिखा रहा है आज की भी, और कल तो बाहर खैर बारिश हुई थी, कल इसने दिखाया तो बारिश भी हुई थी, बट अभी नहीं हुई है बारिश। हम लोग सोच रहे थे कि आज भी अगर बारिश होती है तो प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे आगे जाने का, फिर हम आगे देखेंगे। बट वही है कि भाई फाइनली दिल नहीं मानना था, क्योंकि 2-3 दिन बेकार हो गए अपने ऋषिकेश में पड़े हुए थे, और अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं हम यहाँ से आए के लिए। बस अब कुछ ही देर में इन पहाड़ों के ऊपर होंगे हम, और ट्रैकिंग अपना स्टार्ट कर देंगे। और साथ में झरने का, हाँ साथ में झरना तो देखना बनता ही भाई, बनता है यार। साथ में अभी झरना भी आएगा तो वो भी देखेंगे, नहाएंगे भी वहाँ पे, क्योंकि अपना सुबह सुबह उठे हैं, बस हाथ मुँह धोए, फ्रेश हुए और अपना निकल गए, नहाए धोए भी नहीं है, जाके सीधा वहीं झरने पर नहाएंगे अभी। और बड़ा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है जर्नी, जो कि मेरी बुलंदशहर टू केदारनाथ की जर्नी है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से, बाकी मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ भाई। यहाँ से निकले हुए ऑलमोस्ट लगा लो अभी 15-20 दिन लग जाएंगे अपने को केदारनाथ तक जाने के लिए, और रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 26 तारीख का अपना रजिस्ट्रेशन है, 26 को अपने को पहुँचना है। तो बस फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है, और अभी चल रहे बस भाई। और कमेंट कीजिए, कमेंट में हाजिरी दीजिए भाई, लाइक से कुछ नहीं है, पता नहीं चलता भाई किसने किया है। अरे नहीं करते कमेंट भाई ये लोग, कमेंट करना जरूरी होता भाई। भाई यार अब तो भाई भी कह रहा है यार, हरियाणा वाला यार, बुलंदशहर वालों कमेंट करके यार हाजिरी लगाओ, प्रेजेंट लगाओ, पता चले कि हाँ भाई तुम लोगों ने वीडियो देखी है। सो फाइनली अभी अपना ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है, तो फिलहाल अभी बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में से निकल के जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये इस तरह के तार लगाए हुए हैं, ये जो वायरिंग है ना इसमें करंट आता है हल्का हल्का, ये पूरा ऐसे करके लगाया हुआ है, जैसे बंदे कोई जंगली जानवर उधर से आए ना, शेर चीता भालू वगैरह। खैर भाई निकल आते हैं, जानवर तो जानवर ही है, बाकी फिर भी बड़े बड़े जानवरों के लिए लगाया हुआ है, जैसे कि हाथी वगैरह है वो इस साइड में ना आए, तो उसके लिए अभी हम लोग, हमारा जो रास्ता है नीलकंठ के लिए वो यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से पूरा का पूरा ऑफ रोड है, अपना ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे, मस्त पूरा मज़ा आने वाला है, फुल्ली अपना एक्साइटेड है। अपना दो दो बैग लगाए रखे हुए हैं मैंने, एक मैंने कल ये छोटा बैग भी ले लिया था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी, ऑलमोस्ट ये लगा लो कि जैसे कोई मेरे को थोड़ा बहुत सामान रखना होता है, या फिर ऊपर जाके प्लान चेंज होगा कि बड़ा बैग मैं कहीं पर अगर डिपॉजिट कर सकता हूँ तो अपना बड़ा बैग मैं डिपॉजिट कर दूंगा, देन उसके बाद में जो मेरा छोटा बैग है मैं इसको लेके अपना ऊपर निकल जाऊंगा। अभी फिलहाल कुछ इस तरह का ये रास्ता है, और ये जो पूरा का पूरा आता है राजा जी टाइगर रिजर्व, मतलब कि यहाँ पे टाइगर वगैरह कुछ भी निकल आता है कभी भी, बस थोड़ा बच बच के जाएंगे भाई। और जो पहले मैंने आपको 84 कुटिया दिखाई थी वो यहाँ बिल्कुल नीचे 84 कुटिया है, तो बस भाई संभल संभल के जाना पड़ेगा। आपका उत्तराखंड में स्वागत है। बस शेर चीते भालू कुछ ना निकल आए भाई, निकल सकते हैं भाई, पहले पाला पड़ा हुआ है। तो भाई बस ये है पूरा का पूरा, ये ना ये देखो इस पे लिखा हुआ है राजा जी टाइगर रिजर्व। तो भाई इस पे पूरा का पूरा सब कुछ लिखा हुआ है यार। टाइगर वाइगर आ जाता है क्या? अच्छा आप बाहर से हो क्या? समर के ले रहा भाई, कभी लपेटे में आ जाओ। तो भाई ऐसे ही है फिलहाल, जा रहे हैं अपना निकलते हुए, पूरा का पूरा ऑफ रोड है यहाँ से ये। बाबा जी यहाँ पे शेर वेर भी आ जाते हैं क्या?
अच्छा जी। तो भाई कुछ बस ऐसे ही है, संभल के जाना पड़ेगा। हाथी वाती का ज्यादा बता रहे हैं और बाकी वैसे तो नहीं है। काफी लोग जा रहे हैं आगे भी। हेलो। तो आगे भी काफी लोग जा रहे हैं, पीछे से भी लोग आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं, मस्त रोड है, पूरा का पूरा ऑफ रोड ही है, काटा हुआ है ऑलमोस्ट एरा। क्या बड़े भाई? मोहित राठी ब्लॉग्स। आप कहाँ से हो? मैं बुलंदशहर से। अच्छा, लोकल यहीं से हो? मैं बुलंदशहर से हूँ। करो यूट्यूब पर सर्च, आ जाएगा अभी। अभी इधर शेरवेर का भी डर रहता है क्या भाई? रात के टाइम रहता है इस टाइम। अच्छा अच्छा, कभी भी निकल जाता है बस। तो हाथी वाला क्या बोला आपने? अच्छा अच्छा, मोहित राठी ब्लॉग्स, MOHIT RATHIVLOGS। शेफ ड्रेस में होगा जी। हाँ हाँ भाई, तो अभी यहाँ से कितनी दूर पड़ जाएगा अभी हम लोग अगर जाएंगे तो? नहीं नहीं, हमें नीलकंठ मंदिर जाना है। वहाँ से पैदल का रास्ता है आगे से। अच्छा अच्छा, वो दिख जाएगा आपको। सो भाई फिलहाल अभी भाई ये लोग ये ऋषिकेश से हैं, तो अभी ये लोग मिले हुए थे, बस अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं भाई से। तो अभी आपका नाम क्या भाई? आपका मयंक नाम है भाई का? आयुष। चलो भाई आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। ठीक है भाई। तो भाई फिलहाल अभी निकल रहे हैं अपना आगे के लिए, अपना रास्ता देख लो भाई। ऐसे बीच में अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बस भाई ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो, थैंक यू। अभी फिलहाल मिलते हैं आपसे आगे, रास्ता भी बहुत लंबा होने वाला है। Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. तो भाई फाइनली अपने को रास्ता मिल गया है नीलकंठ मंदिर के जाने के लिए, जो कि अपना ट्रैकिंग वाला रास्ता है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है और इस जगह पे भी लिखा हुआ है, देखो नीलकंठ महादेव जाने का पैदल मार्ग। तो भाई ऐसे करके जाएंगे। और अभी से यहाँ पर लंगूर वंगूर दिखने स्टार्ट हो गए, बाकी और कुछ ना दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 8.5 तो ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटर है। 8.5 का मतलब समझ लो कि पहाड़ी रास्ता कम से कम कुछ नहीं तो 16 किलोमीटर दुगना हो जाता भाई पहाड़ पर चढ़ने के लिए। खैर फिलहाल देखते हैं भी कैसा होता है, कैसा बीतता है। स्कूटी वगैरह भी लेके जा सकते हो, बट अपना तो पैदल ही जाएंगे भाई, मज़ा तो पैदल में ही है। सो भाई अभी अपना यहाँ से 5.5 किलोमीटर रह गया है बस, और अभी ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा पैर भर रहे हैं, सांस चल रहा है क्योंकि चढ़ाई ना काफ़ी ज़्यादा एकदम खड़ी चढ़ाई है। देखो ऐसे करते ऊपर तक जाएंगे, और अभी ऊपर बारिश का भी मौसम सा हो रहा है, बट खैर कोई नहीं। अभी अपना रेनकोट वगैरह हमने कल ले लिए थे मार्केट से, तो फिलहाल अभी अपने कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और कैंपिंग टेंट भी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वही वाटरप्रूफ है, तो वैसे भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और जा रहे हैं भाई थोड़ा धीरे धीरे करते हुए, बैठते हुए जा रहे हैं क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा चल रहा है। 2-3 दिन के बाद में स्टार्ट किया है, देन उसके बाद में चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और व्लॉग भी बनाने पड़ रहे हैं साथ साथ, तो सांस चलना तो भाई स्वाभाविक सी बात है। बट यार मज़ा आ रहा है, जितने जितने ऊपर जाते हैं ना उतना ज़्यादा मज़ा आता है। अरे देखो कुछ इस तरह का व्यू है भाई, ओ भोले। सो फाइनली भाई देखो, कहते हैं ना जब स्टार्टिंग करते हैं थोड़ी तकलीफ तो होती है, बट जब एक मुकाम पे आ जाते हैं ना उसके बाद में बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। इस टाइम पे जो मेरे सामने व्यू है ना उसको आप देखोगे तो भाई क्या व्यू है मेरी जान। ये देखो भाई, देख रहे हो भाई क्या नज़ारे हैं? ये देखो भाई व्यू, ओ माय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो भाई साहब जुनून की कमी नहीं है, चाहे कोई नीचे से आ रहा हो चाहे ऊपर से आ रहा हो, बरकरार है भाई जुनून सबके अंदर। और लगा लो भाई मैं तो इतना हैवी वेट का हूँ, जब भी मैं ऊपर तक जा रहा हूँ तो भाई लाइफ में ना शॉर्टकट नहीं चलते, ऐसी सब चीज़ें तुम करोगे ना तो भाई अपने आप ही मज़ा आने लगता है यार। कैसा लग रहा है भाई? भाई मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? अभी तो गाने ही बजाने भाई देखो यार पीछे व्यू देखो मेरी जान, ये देखो बारिश भी आने वाली है भाई। और फिलहाल यार अपनी कसम मज़ा आ रहा है बड़ा इस एडवेंचर को करने में और केदारनाथ तक जाने में, आप लोग मेरा सपोर्ट करो। तो भाई बस मज़ा आ रहा है यार, तो क्या बताएं यार, व्यू देखो बस यार आप, मतलब कि आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और कैमरा इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होगा, बट भाई
अभी फिलहाल थोड़ा अपना पानी भी खत्म हो गया यार, ऊपर जाके पानी भी लेंगे। हेलो, कैन आई टेक यू इन माय वीडियो फॉर माय एक्सपीरियंस? टेक। हेलो एवरीवन, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? नॉट गुड? गुड। ओके, कीप इट अप ब्रो। वेयर आर यू फ्रॉम? जर्मनी। ओके बाय। सो भाई, ये लोग ना जर्मनी से थे और लगा लो यहाँ पे आए थे इतनी दूर से। बताओ यार, भोलेनाथ का तो यार हर कोई फैन है। और अपने इंडियंस घर पे सोते रहते हैं और अभी बाहर जर्मनी से, रशिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं भाई घूमने के लिए। भोले बाबा चीज़ ही ऐसी है भाई। अपना सनातन धर्म ना एक अलग ही है भाई, मज़ा है अपने सनातन धर्म में भाई। भाई देखो, जितनी ऊपर आते जा रहे हैं ना उतना ही अलग आनंद आ रहा है भाई। माँ कसम, बड़ी लंबी चढ़ाई है यार। ये देखना यार, कितनी खड़ी चढ़ाई है यार। मैं अपनी जितना ऊपर आते जा रहे हैं ना उतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी ठंडी हवा आ रही है इस टाइम पे। और फिलहाल यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर रह गया है और जितना जाते जा रहे हैं ना उतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आ रही है। ए भोले, कहाँ जाके बस गए तुम यार।